अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप एहसन अल हालकीन के करम से खैरियत से होंगे। मैं हूं इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम स्टैट्स 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जीडीबी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जीडीबी के क्वेश्चन को की डिस्क्रिप्शन को रीड कर लेते हैं। बेसिकली आप इसको स्टेम एंड लीफ टेबल का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप जस्ट इसको असाइनमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। बहुत आसान है स्टेम एंड लीफ टेबल बनाना। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हमें थोड़ा सा एक डाटा दिया हुआ है, 10 नंबर दिए हुए हमें, आपको नजर आ रहे हैं 77, 83, 99, 59, 63 अप टू 78 तक हमें डिफरेंट नंबर दिए हुए, ठीक है। तो इनका हमें रिक्वायर्ड ही है कि हमने जस्ट इसका क्या बनाना है, स्टेम एंड लीफ टेबल बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को ऑर्डर में लिख लेंगे। ऑर्डर मीन असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। लाइक 62 सबसे छोटा है इन डिजिट्स में, सॉरी 59 सबसे छोटा है, 59, देन 59 रिपीट हो रहा है, इसको आप दो ही दफा लिखें। उसके बाद 62, फिर 63 एंड 62, 63, फिर 74, 75, 77, 78, then 83, then 99। काउंट कर लेते हैं ऊपर हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, नीचे भी हमारे 10 नंबर होने चाहिए, 3, 6, 9 and 10, that's it। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो आपने करना है उसको, इन्हीं नंबर्स को आपने ग्रुप्स में बना लेना है। मीन्स दैट 51 से जो 59 तक नंबर्स हैं आप उनका एक ग्रुप बना लें, 59 59, दो ही नंबर आ रहे हैं। फिर आप 60 वालों को अलग कर लें, यानी 62 63, यहाँ पे भी आपके दो ही नंबर आ रहे हैं। देन आप 70 वालों को अलग कर लें, 74 75 77 78, देन आप 80 वालों को अलग कर लें, 83। स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। ऊपर 80 वाला एक ही था तो हमने एक ही लिखना है, ठीक है। जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमने दो ही दफा लिखना है, यानी हर यूनिट का आपने अलग अलग ग्रुप बना लेना है। लास्ट 99 रह गया तो आप 99 को सेपरेट कर लें। अब आप अपने नंबर्स काउंट कर लें ताकि आपकी जो सोल्यूशन है वो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। 2, 4, 8, 9 and 10, दैट्स इट। आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को याद रखना है। सबसे पहला स्टेप जो हमने किया है वो क्या है, हमने पहले इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। हम इसको जो है बुलेट्स फॉर्म में कर लेते हैं ताकि, ठीक है, ये हमारा स्टेप टू था। इस पे आप लिख लें स्टेप वन और यहां पे आप लिख लें स्टेप टू। जी, तो स्टेप वन में आपने क्या किया, आपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। स्टेप टू में आपने इनके ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। स्टेप थ्री लास्ट स्टेप है हमारा, जिसमें हमने क्या करना है, हमने अपना टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम। इंसर्ट में जाएं आप जस्ट, और टेबल के लिए आपको रिक्वायर्ड है 2 कॉलम और 6 रोज। जी, तो ये आपका टेबल आ गया। आप इसकी एक साइड पे लिखते हैं स्टेम, दूसरी साइड पे आप लिखते हैं लीफ। अच्छा, अब आपने स्टेम में क्या लिखना है, स्टेम में अब 59 है सबसे पहले, तो आप इसका फर्स्ट डिजिट लिखें, मीन्स दैट 5। फिर आपका सेकंड डिजिट, सेकंड आपने कॉलम में लिखना है, सॉरी रो में लिखना है 6, यहाँ पे 6। देन आपका जो थर्ड आपका स्टेम होगा वो होगी 7, तो यहाँ पे आप 7 लिखना है। आपने जस्ट इन नंबर्स के फर्स्ट डिजिट को लिखना है, लाइक यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5, ये तरतीब से आपने लिखने जाना है। देन हमारा 8 है, यहाँ पे आप 8 लिख लें, और लास्ट नंबर हमारा 9 है, इधर 99, इधर आप 9 लिख लें, एंड दैट्स इट। स्टेम में आपने सिर्फ आपके जो नंबर्स हैं उनके फर्स्ट डिजिट को लिख लेना है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे, मैं आपको, अगर आप बेसिक कंसेप्ट लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास एक सिंगल डिजिट हो, लाइक 4 हो,
तो आप उसकी स्टेम जो है जीरो लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर का जो प्रीफिक्स है वो जीरो है. देन आप लीफ में आ जाए. अब लीफ में आपने सेकंड डिजिट्स को लिखना है. फर्स्ट डिजिट आपने स्टेम में लिखना है, सेकंड डिजिट आपने लीफ में लिखना है. जैसे अब फाइव के साथ नाइन था तो नाइन लिखें. अगला हमारा जो सेकंड नंबर था उसमें भी फाइव के साथ क्या है, नाइन. तो यहाँ पे आप स्पेस दे के अगेन नाइन लिखने, ठीक है. फिर आपके पास 60 प्लस में नंबर्स हैं, दो हैं, उनमें आपकी जो फर्स्ट लीफ है वो टू है और सेकंड लीफ जो है आपका वो थ्री है, ठीक है. इसी तरह आप थर्ड रो में आ जाएं तो सेवन के साथ सबसे पहले फोर था, देन स्पेस दे के आप फाइव है, देन स्पेस दे के यहाँ पे सेवन है, सेवन है तो आप सेवन लिख लें, देन स्पेस दे के इधर एट है तो आप एट लिख लें. इसी तरह एट के साथ जस्ट थ्री था तो इसकी स्टेम एट हो गई और इसका लीफ सिर्फ क्या आएगा, थ्री, ठीक है. इस तरह लास्ट जो हमारा नंबर था वो 99 था, इस नाइन के साथ भी नाइन ही है तो आप इसके लीफ में भी नाइन ही लिख लें, ठीक है. ये आपका बहुत आसान 5 मार्क्स का GDB था. कोई आपने इसमें रेलिवेंट चीज नहीं लिखनी, अदरवाइज आपके नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है. तो बस आपने स्टेप बाय स्टेप यही करना है. स्टेप वन में आपने सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लेना है. स्टेप टू में आपने इनके ग्रुप्स बना लेने, ठीक है. मतलब 50 प्लस वाले एक ग्रुप में, 60 प्लस वाले एक में, 70 प्लस वाले एक में, ठीक है. देन आपको पता होना चाहिए स्टेम में आपने सिर्फ डिजिट का फर्स्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट लिखना है, ठीक है. और लीफ में आपने अपने नंबर का सेकेंड डिजिट लिख लेना. एंड दैट्स इट, आपका टेबल रेडी, आप इसको सबमिट कर सकते हैं. बहुत इजी सॉल्यूशन है. अगर आप जनरल कंसेप्ट के लिए भी इसको यूज करना चाहें तो स्टेम एंड लीफ टेबल बहुत आसान है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स अ लॉट.